कैसा हो अगर आप वोट करने के लिए जाएं और वहां ईवीएम के ऊपर आपको पार्टी के सिंबल की जगह कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन, उसकी उम्र, ये सारी चीजें, उसका नाम और उसकी तस्वीर देखने को मिले। इसी को लेकर एक पीआईएल जो है एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी। पीआईएल में वो मांग ये रख रहे थे कि पार्टी का सिंबल जहां पर ईवीएम के ऊपर होता है उसे देख के कई बार जो वोटर है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, जबकि ईवीएम्स के ऊपर कैंडिडेट का नाम, उम्र, क्वालिफिकेशन, उसकी तस्वीर होनी चाहिए, जिससे लोग जो है पारदर्शिता के साथ अपना कैंडिडेट, उसके उसकी क्रेडिबिलिटी की बुनियाद के ऊपर और उसकी काबिलियत की बुनियाद के ऊपर चुन सकें। ये पीआईएल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर तो की गई, लेकिन उस पीआईएल को अब डिसमिस कर दिया गया है। क्या कुछ कोर्ट में हुआ और क्या आर्ग्यूमेंट्स पेश की गई वो आपके सामने रखते हैं। पहली बात ये कि एक बेंच जिसे हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित, उन्होंने ये कहा कि अगर पिटिशनर की रिप्रेजेंटेशन को मान लिया जाता है तो उसे पिटिशनर की जो रिप्रेजेंटेशन है उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंसिडर करना है। और साथ ही में उसको लेकर सीनियर एडवोकेट विकास सिंह और गोपाल शंकर नारायण जो हैं वो अपेयर हो रहे थे, उन्होंने रिप्रेजेंट किया पिटिशनर को। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 की वायलेशन है कि आप जो ईवीएम के ऊपर पार्टी सिंबल्स को दिखाते हैं उससे जो वोटर होता है उसकी चॉइस उसको मालूम नहीं होता कि मैं किस कैंडिडेट को एक्चुअली वोट कर रहा हूँ, वो पार्टी का नाम देखकर जो है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो कैंडिडेट की क्रेडिबिलिटी के बेसिस पर, उसकी बुनियाद पर वो कैंडिडेट को चुन पा रहे हो, इस राइट से वो डिप्राइव हो जाते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस उनका ये कहना था कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं वो भी फिर चुनकर आ जाते हैं। तो ये कहा उनके द्वारा कि जो पार्टीज हैं वो क्यों ऐसे लोगों को सिलेक्ट नहीं करती जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, जो एक स्टैंडर्ड एफिडेविट जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जरूर दायर करती है, लेकिन कई सारे लोगों को इसलिए चुन लिया जाता है कैंडिडेट अपना क्योंकि उनकी जो है फॉलोइंग काफी ज्यादा होती है किसी एक इलाके में, ये क्यों नहीं देखा जाता कि उस कैंडिडेट की काबिलियत क्या है, क्या उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ये सारी कंसिडरेशंस क्यों नहीं होती। इसको लेकर एडवोकेट जनरल ने इसे अपोज किया और ये कहा कि ऐसा नहीं है कि जो वोटर है वो ईवीएम देख के डिसाइड करता है कि मैंने किसे वोट डालना है। ईवीएम तक पहुंचने से पहले ही वोटर्स ने अपना माइंड तैयार कर लिया होता है कि वो किसे वोट देने के लिए वहां पर आया है। इसने कहा कि जब तक वो ईवीएम, ये कहा गया कि जब तक वो ईवीएम तक पहुंचता है तब तक ऑलरेडी माइंड में एक वोटर डिसाइड कर चुका होता है कि वो वोट डालने किसे वाला है। कोर्ट रूम में अब क्या कुछ हुआ, सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पॉइंट आउट किया कि जो 10th स्केड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज और लेजिस्लेटिव पार्टी को लेकर मेंशन किया गया है, उसमें ये प्रिमाइस है कि इलेक्टोरेट जो है अपने कैंडिडेट को चूज कर सकता है, लेकिन इलेक्टोरेट जो है जब उसे चूज करता है तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी पार्टी को इमीडिएटली डंप कर दे, तो उस चीज का भी ख्याल रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ में सबमिट किया गया कि कैंडिडेट जो है वो वोटर इंडिविजुअली एक कैंडिडेट को देखे, केवल पार्टी को नहीं देखे, इससे पार्टी में बेटर लोग आने की संभावनाएं बढ़ेंगी, ये पेटिशनर का कहना था। ये कहा गया कि पार्टी ऐसे लोगों को फिर उसके बाद टिकट देने पर मजबूर होगी जो बेहतर होंगे, ऐसा ही जो है ब्राजील में भी किया जाता है जहां पे कोई वोट सिंबल्स इस्तेमाल नहीं होते, लोग जो है वो सीधा जाकर या तो पार्टी को वोट करते हैं या फिर जो जिस व्यक्ति को वो वोट करने वाले हैं उसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं। उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी नेम, एज, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन और फोटोग्राफ जो कैंडिडेट्स की हैं उन्हें ईवीएम पर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी कैंडिडेट्स को मिले और साथ ही में करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन को वीड आउट किया जा सके, यानी कि जो पार्टीज हैं वो इस तरीके से कैंडिडेट्स को चुने कि उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, वो अच्छे क्वालिफाइड लोग हों। इसके साथ साथ में ये भी कहा कि इससे इलेक्टर्स यानी कि जो लोग वोट कर रहे हैं उन्हें भी मदद मिलेगी कि वो इंटेलिजेंट और डिलिजेंट लोगों को, ऑनेस्ट कैंडिडेट्स को वोट दे पाएंगे। इसको लेकर उन्होंने बताया, जो पिटिशनर है उन्होंने बताया कि हमने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के सामने एक रिप्रेजेंटेशन दी है और ये मैटर जो है वो लॉ कमीशन के सामने इसलिए नहीं उठाया जा सका क्योंकि वो पिछले 4 साल से फंक्शन नहीं कर रहा है। साथ ही में एडवोकेट अमित शर्मा ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने ये अश्योर किया पिटिशनर को कि उनकी रिप्रेजेंटेशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंसिडर किया जाएगा। इसी के चलते जो है इस मैटर को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और इस पीआईएल को डिसमिस कर दिया गया। लेकिन आप सोचें कि पीआईएल ये थी कि कैसा हो
अगर लोग जब वोट करने के लिए जाएं तो ईवीएम पर उन्हें पार्टी के सिंबल्स यानी कांग्रेस का हाथ जो है वो नजर ना आए, बीजेपी का कमल नजर ना आए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का किसी का साइकिल किसी का झाड़ू वो सब नजर ना आए, बल्कि कैंडिडेट का नाम उम्र तस्वीर क्वालिफिकेशन नजर आए, जिससे वो ये जज कर पाए कि क्या इस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, क्या इसे मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा है, क्या ये हमारे काम करवा पाएगा, क्या ये पढ़ा लिखा है, क्या इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं है। इस बुनियाद पर फिर जो है वो लोग वोट करेंगे। इस मंशा के साथ ये पीआईएल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास लाई गई थी, लेकिन इस पीआईएल को डिसमिस कर दिया गया है इस आश्वासन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि वो उनकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में सोच विचार जरूर करेंगे।